Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लोकसभा चुनाव 2024 में दमदार प्रदर्शन के बाद समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 37 सांसदों के साथ सपा देश की संसद में एक बड़ी पावर बनकर दाखिल होगी और सपा की टीम की अगुवाई खुद अखिलेश यादव करेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अब यूपी के बजाय राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। वो पार्टी के संसदीय दल के नेता होंगे। इसकी औपचारिक घोषणा दिल्ली में होने वाली पार्टी की संसदीय दल की बैठक में होगी। इसके साथ ही अखिलेश अब कन्नौज से सांसद बने रहेंगे और करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देंगे। दिल्ली में जल्द सपा संसदीय बोर्ड का गठन होगा। लोकसभा में पार्टी के नेता पद पर अखिलेश यादव होंगे। इसके अलावा उपनेता का भी चयन होगा। अखिलेश यादव पहली बार 36 सांसदों संग लोकसभा में बैठेंगे। इनमें 4 तो उनके परिवार के ही सदस्य होंगे। दरअसल यूपी में सपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटें हासिल की है। सपा प्रमुख अखिलेश कन्नौज से सांसद चुने गए हैं। इससे पहले वो मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। वर्तमान में वो विधायक हैं। वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। अब वो करहल से इस्तीफा देकर केंद्र की राजनीति में सक्रिय होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश के इस्तीफे के बाद यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट भी इस कारण खाली होगी। यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद शिवपाल यादव को सौंपा जा सकता है। वो इसके पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा इंद्रजीत सरोज को वरिष्ठता के आधार पर ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। करहल सीट पर भी उपचुनाव होगा। इसमें सपा अपने पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव को प्रत्याशी बना सकती है। इन सब मामलों में जल्द ही निर्णय होगा।